हेलो दोस्तों, एनऑर्डर थिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंडियन मार्केट में कौन सी बेस्ट स्कूटर देखने मिल जाती है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मेनली दोस्तों, स्कूटर खरीदने के लिए आपको खुद की नीड पहचाननी होती है। आपको एक स्टाइलिश स्कूटर चाहिए, परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए, कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए या फिर ज़्यादा स्टोरेज स्पेस वाली स्कूटर चाहिए। ये सब चीज़ें अगर एक बार हमें डिसाइड हो गई तो हम एक बेस्ट स्कूटर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हर एक स्कूटर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पॉइंट बताऊंगा, साथ ही मैं हर स्कूटर के ऑन रोड प्राइजेस भी बताऊंगा और साथ ही मैं इसके माइलेज, टॉप स्पीड, इंजन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, जिस वजह से आपको हेल्प हो सकती है कि आपको कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना लास्ट में, क्योंकि मैं बीच में सब्सक्राइब के लिए नहीं रहूँगा। तो हमारे फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं होंडा की डियो, जिसकी प्राइस आपको मार्केट में 80,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगी और इसका डीलर्स वेरिएंट जो है वो 84,000 तक के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। डीलर्स वेरिएंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो इसका जो रिफाइंड इंजन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, स्पोर्टी लुक के साथ में आता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, गुड स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल कराती है, साथ ही कम्फर्टेबल बाइक है, एक्चुअली स्कूटर है, और इसकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, गुड माइलेज भी प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन है इसका, ऑफकोर्स होंडा की स्कूटर है। और अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो आपको 109.5 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.7 बीएचपी का 9 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, जिसके साथ ये स्कूटर टच करती है 90 किलोमीटर पर आवर तक की हाई स्पीड। और अगर इसके माइलेज के बारे में बात करें तो आपको 50 to 55 तक की जो बाइक है, स्कूटर है, माइलेज दे देंगी। अगर आप थोड़ा भी रेस्ट ड्राइव करते हो तो आपको और कम इसका माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। और अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो आपको 105 किलो की ये जो स्कूटर है आपको देखने मिल जाएंगी। तो अगर इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो इसमें फाइबर बॉडी पैनल दिए गए हैं, जिस वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और इसमें जो सस्पेंशन है वो थोड़े बहुत आपको स्टिप देखने मिल सकते हैं, जो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बस आपको स्टिप सस्पेंशन है तो आपको झटके थोड़े महसूस होंगे। और हमारे फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं TVS की एंटॉर्क, जिसका डिस वेरिएंट में आपको 95,000 तक के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा मार्केट में। और इस स्कूटर में आपको रेस एडिशन भी देखने मिल जाएगा, जिसका जो प्राइस है आपको 1 लाख तक का आपको देखने मिल जाएगा। और अगर इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, और इसमें गुड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपी इंजन है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है इसका, साथ ही ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में भी आता है और डिफरेंट मोड्स भी आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साउंड प्रोवाइड करती है अपने सेगमेंट में, काफ़ी ज़्यादा छोटी सा साउंड आता है और काफ़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है ये स्कूटर। और अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो आपको 124.8 सीसी का इंजन मिल जाता है 3 वेल इंजन के साथ में, साथ ही पावर प्रोड्यूस करती है 9.25 बीएचपी का और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 10.5 न्यूटन मीटर का, और जिसके साथ ये स्कूटर टॉप स्पीड टच करती है 95 किलोमीटर पर आवर तक की, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर पर आवर तक की ये स्पीड आपको इसमें देखने मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है, आपको टेक्निक भी यूज़ करने पड़ेंगे उसके लिए। और सेकंड इसका बेस्ट पॉइंट है, इसमें जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने मिल जाते हैं, 100 सेक्शन का आपको इसमें टायर देखने मिल जाता है, जिस वजह से आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है ये स्कूटर। और इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जिस वजह से इसमें आपको नेविगेशन फीचर देखने मिल जाता है, साथ ही फ़ोन और SMS किसने किया वो भी देखने के लिए मिल जाता है, जिस वजह से आपको स्कूटर साइड में रोक के मोबाइल ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसका फ़ोन है, इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो आप चलते चलते भी वो देख सकते हो। साथ ही इसका जो वेट है आपको 118 kg तक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ठीक ही है 125 cc के हिसाब से, जिसके साथ ये स्कूटर माइलेज प्रोवाइड करती है 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर तक की। अगर आप थोड़ा भी रेस्ट ड्राइव करते हो ना तो ये जो माइलेज हो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि हर एक स्कूटर के साथ में होता है, तो स्कूटर को आप रेस्ट ड्राइव कर ही नहीं सकते, काफ़ी कम माइलेज प्रोवाइड करती है इसके बाद। और अगर इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो इसमें पुअर माइलेज देखने मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। और सेकंड नेगेटिव है इसका स्टिफ सस्पेंशन, थोड़ा सा स्टिफ आपको देखने मिल जाएगा, जो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी में थोड़ा अच्छा हो जाता है, बट ऑफकोर्स स्टिफ सस्पेंशन है तो इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। साथ ही इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पर है। बट दोस्तों, अगर आपको रिलायबल इंजन चाहिए, साथ ही थोड़ा टेंशन फ्री स्कूटर चाहिए, तो आप होंडा ग्राजिया भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट आपको पावर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता आप करोगे। और हमारे थर्ड नंबर पे आ जाते हैं सुजुकी SS125, क्योंकि ये कम पीता है, इतना भी कम नहीं पीता एक्चुअली। और इसके ऑन रोड प्राइजेस के बारे में बात करें तो आपको इसका डिस्क वेरिएंट 93,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही इसमें ब्लूटूथ वेरिएंट भी आता है जो कि 97,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है।
और अगर इसके पॉजिटिव के बारे में बात करें तो आपको इसमें बड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, साथ ही लॉन्ग सीट के साथ में आती है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी है, और साथ ही ये काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है स्कूटर। और रिफाइंड और स्मूथ इंजन है इसका, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है हाई स्पीड में, साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर भी आता है जो कि काफ़ी कम स्कूटर में देखने मिल जाता है। और अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.7 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10 न्यूटन मीटर का, जिसके साथ ये स्कूटर टॉप स्पीड टच करती है 90 किलोमीटर पर आवर तक की। और अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो 104 केजी की स्कूटर है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और इसके माइलेज के बारे में बात करें तो आपको 50 किलोमीटर पर लीटर तक की आपको ये माइलेज दे देंगी, बट थोड़ा भी रैश ड्राइव करते हो तो आपको ये माइलेज और कम देंगे। और इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, बट स्मॉल राउंड मिरर के साथ में आती है जो कि मोटे लोगों के लिए पीछे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ ही इसका जो प्राइस है वो थोड़ा हाई साइड पर है, और साथ ही इसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, एकदम थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। बट दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है ना वो मुझे थोड़ा टाइमलेस डिज़ाइन लगता है, काफ़ी ज़्यादा एक सिंपलिस्टिक लुक है जो कि एग्जैक्ट स्कूटर ऐसे ही दिखनी चाहिए मेरे ख्याल से, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग स्कूटर है ये। और हमारे फोर्थ नंबर पे आ जाती है एक्टिवा 6G। दोस्तों विश्वास करना, मैंने इस एक्टिवा को अपनी लिस्ट से बाहर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी बट नहीं कर सका क्योंकि नाइंसाफी हो जाती। और अगर दोस्तों इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो आपको 82,000 के आसपास आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसका डीलक्स वेरिएंट आता है जो कि 84,000 तक के आपको ऑन रोड में देखने मिल जाएंगे। और अगर इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको काफ़ी रिलायबल इंजन मिल जाता है, काफ़ी साइलेंट और स्मूथ इंजन है इसका, लो मेंटेनेंस है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है। आपको इसमें मेटल बॉडी देखने मिल जाता है जिस वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, गुड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल कराती है जो कि अच्छी बात है। और इसके इंजन के बारे में बात करें तो आपको 109.51 सीसी का इसमें इंजन देखने मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.68 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.7 न्यूटन मीटर का, जिसके साथ ये स्कूटर टॉप स्पीड टच करती है 85 किलोमीटर पर आवर तक की। और इसका जो वेट है आपको 107 kg तक आपको देखने मिल जाएगा जो कि लाइट वेट ही है, और इसका जो माइलेज है आपको 50-55 किलोमीटर पर लीटर तक आपको देखने मिल जाएगा, थोड़ा भी रेस्ट ड्राइव करेंगे तो आपको कम हो जाएगा। और इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो आपको इसमें लो परफॉर्मेंस मिल जाता है जो कि लो स्पीड पे काफ़ी थकी थकी सी लगती है, एक्चुअली BS6 आने के बाद ही। और इस स्कूटर में कंपनी को डिक्स वेरिएंट का एक एज अ ऑप्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए था जो कि TVS प्रोवाइड कर रही है, जो कि इसके ब्रेकिंग को और अच्छे करा देते। और इसमें जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम फीचर्स आते हैं, एक्चुअली इसमें कोई फीचर्स ही नहीं आते, बस यही इसका नेगेटिव है। और हमारे फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं TVS के जुपिटर, जिसका आपको बेस मॉडल आपको 83,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा ऑन रोड पे, और इसका जो डिक्स वेरिएंट है आपको 89,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी क्लासिक वेरिएंट भी आता है बट उस पर जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, अगर आपको डिज़ाइन वगैरह पसंद है क्लासिक की तभी जाना, बाकी यही दोनों वेरिएंट ज़्यादा करके बिकते हैं। और इसके पॉजिटिव के बारे में बात करें तो इसमें रिफाइंड इंजन मिल जाता है, काफ़ी लो मेंटेनेंस है, गुड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ड्यूरेबल भी है क्योंकि इसमें मेटल बॉडी यूज़ करे गए हैं, कंफर्टेबल भी है, बिग स्टोरेज स्पेस के साथ में आती है, और साथ ही इसमें स्टोरेज स्पेस भी अच्छे खासे अवेलेबल है, और इसमें लेग स्पेस भी काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है। और ये जो स्कूटर है वो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है, साथ ही अलॉय व्हील्स के साथ भी आती है, और इसमें USB चार्जर भी आपको दिया गया है, तो 110 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो आपको 109.7 सीसी का FI इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.3 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.4 न्यूटन मीटर का, जिसके साथ ये स्कूटर टॉप स्पीड टच करती है 80 किलोमीटर पर आवर तक की। और साथ ही स्कूटर का जो वेट है वो आपको 107 kg देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ऑफकोर्स लाइट वेट है। और इसका जो माइलेज है आपको 55-60 तक आपको देखने के लिए मिल जाता है, बट आप अगर सिटी ट्रैफिक में ये जो स्कूटर चलाते हो तो ऑफकोर्स ये जो माइलेज घट जाएगा। और इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो आपको इसमें लो पावर मिल जाता है जो कि ऑफकोर्स ये थोड़ी स्कूटर थकी थकी सी लगती है, और इसका जो टॉप एंड है वो उतना खास नहीं है, 60-70 तक ये जो स्कूटर है वो अच्छी खासी चल जाती है, इसके ऊपर इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस लेने लगेगा ऐसा आपको थोड़ा सा महसूस होता है, बस इतना ही इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, बाकी ये स्कूटर काफ़ी अच्छी है, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट प्लेस डिजर्व करती है। तो बस दोस्तों मेरे वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ याद रखना सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी वीडियो तो। और दोस्तों मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहना और हैव अ नाइस डे।